मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपोफॉस्फेटीमिया के बारे में। पिछले क्लासेस में हमने फॉस्फोरस के बारे में जाना था कि फॉस्फोरस क्या होता है और उसका मेनली फंक्शंस हमारे बॉडी में क्या होता है। फॉस्फोरस डिफिसिट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। हाइपोफॉस्फेटीमिया मीन्स लो लेवल ऑफ फॉस्फोरस या फिर फॉस्फेट इन ब्लड। जब भी ब्लड में कम हो जाएगी जितनी अमाउंट होनी चाहिए फॉस्फोरस की या फिर फॉस्फेट की, उससे कम अगर होगी तो फिर हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाएगी। नॉर्मल लेवल कितना है? नॉर्मल लेवल है 2.5 to 4.5 mg/dL, नॉर्मल इतना है, ठीक है। अगर इससे कम हो जाएगी यानी कि 2.5 से कम हो जाएगी, मीन्स पेशेंट को हाइपोफॉस्फेटीमिया है। हाइपोफॉस्फेटीमिया अगर माइल्ड होगी तो कितने लेवल के बीच में होगी? 2 से 2.5 के बीच में होगी। अगर माइल्ड होगी तो मतलब अगर हल्की सी कमी होगी फॉस्फेट की या फिर फॉस्फोरस की ब्लड में, तो 2 से 2.5 के बीच में रहेगी। और अगर मॉडरेट रहेगी यानी कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी तो 1 से 2 तक रहेगी, 1 से 2 उसके वैरी करता रहेगा। और अगर सीवियर, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड में फॉस्फेट की कमी है तो वो 1 mg/dL से कम हो जाएगी, मीन्स सीवियर हाइपोफॉस्फेटीमिया होगी पेशेंट को। हाइपोफॉस्फेटीमिया मेनली किस कारण होती है? बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस हैं इसके कारण हाइपोफॉस्फेटीमिया होती है, लेकिन जो मेनली जो इसका कॉज है वो है स्टार्वेशन और अल्कोहलिज्म। स्टार्वेशन में क्या होती है? स्टार्वेशन में भूखमरी। बहुत सारे पुअर पीपल होते हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं होता, तो वो उनका डाइट हेल्दी नहीं होता है, इस कारण वो और उनका डेथ हो जाता है विदाउट फूड, खाने के बिना उनका डेथ हो जाता है बहुत सारे लोगों का। तो उस कंडीशन को हम स्टार्वेशन बोलते हैं, भूखमरी की स्थिति में। या फिर अल्कोहलिज्म, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से फॉस्फोरस जितनी डाइट में होनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है, जितना डाइट में एक व्यक्ति को, जितना एक इंडिविजुअल पर्सन को लेना चाहिए, अल्कोहलिज्म के कारण वो नहीं मिल पाता है। इसके कारण हाइपोफॉस्फेटीमिया यानी कि फॉस्फोरस की डिफिशियंसी ब्लड में हो जाती है, बॉडी में फॉस्फोरस की डिफिशियंसी हो जाती है। हाइपोफॉस्फेटीमिया के हम कॉजेस को देख लेते हैं। आखिर क्या कारण है जिसके कारण ब्लड में फॉस्फेट की कमी आ गई है? सबसे पहला कारण है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म क्या होती है? पैराथायरॉयड ग्लैंड बहुत ज़्यादा ब्लड में पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रीट कर देती है, जिसके कारण कैल्शियम बहुत ज़्यादा ब्लड में हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम को रेगुलेट कौन करती है? पैराथायरॉयड हार्मोन। और बोन में से कैल्शियम ब्लड में आती है पैराथायरॉयड हार्मोन के कारण ही। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स फॉस्फोरस का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो उस कारण से ब्लड में फास्फोरस की कमी हो सकती है। दूसरा है पुअर किडनी फंक्शन। अगर किडनी का फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा है, किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही है, उस कंडीशन में किडनी बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट कर देगी यूरिन में फास्फोरस को या फिर फॉस्फेट को, तो उस कंडीशन में ब्लड में फास्फोरस की कमी हो सकती है। तीसरा है ओवर यूज ऑफ डाई यूरेटिक्स। ये क्या करती है? ये बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट कर देती है यूरिन में फॉस्फोरस को। अब वो क्या क्या होते हैं डाई यूरेटिक्स के एग्जाम्पल? थियोफाइलिन होते हैं। दूसरा एंटासिड्स कंटेनिंग एल्बुमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसके कारण यूरिन में किडनी बहुत ज़्यादा फॉस्फेट को या फिर फॉस्फोरस को एक्सक्रीट कर देती है। चौथा कारण है क्रोनिक डायरिया। बहुत लंबे समय से अगर पेशेंट को डायरिया है तो उस कंडीशन में क्या होगी? इंटेस्टाइन सही से काम नहीं करेगी। इंटेस्टाइन को जितना ऑब्जर्व करना चाहिए फॉस्फोरस को फूड में से, उतना वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, उसका मेटाबॉलिज्म सही से नहीं कर पाएगी, तो उस कंडीशन में फॉस्फोरस की कमी हो सकती है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। वाइटामिन डी क्या क्या करती है? वाइटामिन डी के कारण ही जो एब्जॉर्ब होती है फॉस्फोरस इंटेस्टाइन के थ्रू, वो ब्लड में मिक्स हो पाती है यानी कि वो ब्लड में जा पाती है। वाइटामिन डी के कारण ही ब्लड में न्यूट्रिएंट्स आते हैं, फॉस्फोरस आती है, तो उस कंडीशन में अगर वाइटामिन डी नहीं है तो फॉस्फोरस ब्लड में मिक्स नहीं हो पाएगी, फॉस्फोरस न्यूट्रिशन से ब्लड में नहीं आ पाएगी, जिसके कारण ब्लड में फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी। अल्कोहलिज्म। अल्कोहल के कारण क्या होती है? माल न्यूट्रिशन हो जाती है बॉडी में, मीन्स सही से डाइट नहीं आप लेंगे। अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंज्यूम करता है, कंजप्शन बहुत ज़्यादा कर लेता है, इसके कारण उसके बॉडी में माल न्यूट्रिशन होने लगती है, जो भी पोषक तत्व उसको चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण फॉस्फोरस की कमी हो सकती है। डायबिटिक
कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में क्या होती है, टिश्यू का जो एसिडिक पीएच है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, टिश्यू ब्लड टिश्यू बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, यानी कि ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है डायबिटीज़ के कंडीशन में, तो उस कंडीशन में भी फॉस्फोरस की कमी ब्लड में हो सकती है। सीवियर बर्न, सीवियर बर्न अगर होगी तो क्या होगी, फ्लूइड्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि बर्न के केस में इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड्स दोनों की कमी होती है, तो फॉस्फोरस की भी कमी हो जाएगी। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में क्या होती है, CO2 का लेवल लो, CO2 इन ब्लड, CO2 का लेवल ब्लड में कम हो जाती है ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन के कारण। हाइपर वेंटिलेशन क्या होती है, अगर कोई पेशेंट बीमार है तो अगर हम उसको ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे तो उसके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम हो जाएगी, जिसके कारण टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए फॉस्फोरस की कमी हो सकती है, मीन्स हाइपोफॉस्फेटीमिया हो सकती है।